लवली मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो डिस्कस करने वाले हैं, पिछले जो वीडियो में पढ़ाया था उसी वीडियो पर बेस्ड जो है वो हम आपको स्टडी कराएंगे। सबसे पहले जो वीडियो पिछला वाला था वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, जिसमें हमने जूल्स लॉ पढ़ाया था आपको। उस जूल्स लॉ के बेसिस पे जो बहुत सी टर्मिनोलॉजी को पढ़ना था हमें, जैसे कि हीट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ाना था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो उस दिन तो डिस्कस कर ही चुके थे। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर है, इसको डिफाइन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चन जो आता है एग्जामिनेशन में, उस एग्जामिनेशन के बेसिस पे जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ हम ये बता दें कि हमारा ये मकसद है, हमारा या ये हमारा वो मोटिव है कि आपको किसी भी टॉपिक को लर्न करने के लिए किसी तरह का कोई रटने की ज़रूरत न पड़े, इसलिए हम उसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं समझिएगा कि सर 8th क्लास में पढ़े थे और 12th में भी आकर के सर यही पढ़ा रहे हैं, तो सर 12th को पढ़ा रहे हैं या 8th को पढ़ा रहे हैं। मकसद यही है कि जब हम फाउंडेशन से लेकर चलेंगे आगे, तभी हमारा कुछ बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी हो सकती है, बड़ा सा हमारे अंदर कॉन्सेप्ट आ सकता है। जब हमारे पास बेसिक्स कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा तो फिर वो कॉन्सेप्ट हमारे अंदर कैसे आ सकता है जो उस पर बेस्ड है, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग इफेक्ट के बारे में, केमिकल इफेक्ट के बारे में और थर्मल इफेक्ट के बारे में जो बताया था, हमने जो पढ़ा है उसी पर बेस्ड आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर हमारे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है और उसका यूज़ क्या है, उसका एप्लीकेशंस क्या है हमारे डेली लाइफ में। क्योंकि ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये तो फुल्ली डिपेंड हमारे डेली लाइफ में, हमारे पूरी लाइफ हमारी जो है ना इस पर बेस्ड आज की इस दुनिया में है। क्योंकि देखिए, पुराने ज़माने से बल्ब, एडिसन वाला बल्ब, वो 100 वाट वाला बल्ब ये देखे होंगे, फिलामेंट भी उसमें लगा रहता है, ऐसा कुछ है उस बल्ब में, प्रेस में, रूम हीटर में, गीजर में, राइट, ठीक, फर्नेस में, इन सभी इलेक्ट्रिक फ्यूज में, इन सब जगह तो इसी का एप्लीकेशन है। तो हम तो वहां पर थ्योरेटिकली पढ़ लिए कि क्या है फ्यूज, क्या है बल्ब, क्या है टंगस्टन, क्या है नाइक्रोम, लेकिन उसके बेसिस पर हमको जो प्रॉब्लम आएगा एग्जामिनेशन में, हाँ, तो फिर वो कैसे सॉल्व होगा, तो उसके लिए हम कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स को भी पढ़ेंगे। हीटिंग इफेक्ट में जूल्स लॉ पढ़ाया मैंने, जूल्स लॉ में चीज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी पढ़ाया, उसका डेरिवेशन कैसे आया आपने देखा। साथ ही साथ हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ बेसिक्स पीछे से इंटरलिंक्ड है, जब तक हम बैक को नहीं कंसिडर करेंगे तब तक फिर हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पढ़ते हैं, इसके यूनिट्स को पढ़ते हैं, इसके डायमेंशन को, इसके फिजिकल क्वांटिटीज को इसको देख लेते हैं, फिर उसका हम पावर पर आते हैं, फिर इसका बेस कुछ न्यूमेरिकल्स को करते हैं। आइए देखते हैं, बात कर रहे हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पावर की, इलेक्ट्रिक पावर देखते हैं। पावर हम लोग के लाइफ में जो यूज होता है, क्लास 11 में पढ़ाया था वर्क एनर्जी पावर में, वही पावर है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। पावर का मतलब क्या होता है, एनर्जी का मतलब होता है एबिलिटी टू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की जो क्षमता है ना उसी को ऊर्जा कहते हैं। ये क्या है, ये है रेट ऑफ डूइंग वर्क, कितना देर तक काम कर रहे हैं। रेट का मतलब क्या, जैसे ही हम बैंक में पैसा डालते हैं तो बैंक में क्या है कि लिखा हुआ 10% आपको जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो उसका रेट हो गया। कब के लिए, कंडीशन क्या है, पर ईयर, वहां पर क्या कंसिडर किया हुआ है कि 10% पर ईयर, अगर सपोज करते हैं कि 10,000 रुपया अगर आपने रखा है बैंक में 1 साल के लिए, तब उस पर इंटरेस्ट बनेगा। अगर आपने आज सुबह रखा है और कल जाकर सुबह सुबह निकाल लिए 10 बजे 11 बजे, तो फिर आपको उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जो रखा है पैसा वो पर ईयर पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। इसका मतलब क्या कि रेट है 10%, तो यहाँ पर भी क्या है कि इलेक्ट्रिक वर्क का, इलेक्ट्रिक पावर का मतलब क्या है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द सोर्स, द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ इन अ सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ऑफ ए सर्किट। किसी सर्किट का जो पावर है वो इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि कितने देर तक
कितना एनर्जी यूटिलाइज किया है। ये सपोज करिए कि हमने एक बल्ब लगाया अपने घर में, वो पर डे 10 मिनट जलाते हैं, पर डे 10 मिनट जलाया, तो पर डे 10 मिनट जलाया तो पूरे 30 दिन तक, पूरे एक महीने तक 10-10 मिनट जला है तो हमको पूरे एक मंथ का जो बिल आएगा वो टाइम कंसीडर करके करने के बाद, हाँ कितना हमने पावर यूटिलाइज किया है, कितनी एनर्जी यूटिलाइज किया है, कितना जूल पर सेकंड हमने एनर्जी यूटिलाइज किया है, कितना जूल पर सेकंड हमने कितना एनर्जी को कंज्यूम किया है, उसी को क्या कहा जाएगा, उसी को पावर कहते हैं। कितना पावर, तो हर एक अप्लायंस का अपना अपना एक पावर होता है। और हमने देखा कि बल्ब है तो उस पर रेटिंग लिखा हुआ है, पावर हाँ लिखा हुआ है 100 वाट, कहीं पे लिखा हुआ 100 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट। जैसे कि हमने हमने क्या लिया, वो प्रकाश वाला बल्ब लिया या सूर्या वाला बल्ब लिया, उस पर लिखा रहेगा 100 वाट 220 वोल्ट। मतलब क्या है कि हमारे भारत में 220 वोल्ट क्या फिक्स है, ये रेटिंग क्या है, ये वोल्टेज रेटिंग है। जब कभी हम 220 के सोर्स पर किसी अप्लायंस को, किसी बल्ब को हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या होगा कि वो 100 वाट का पावर को यूटिलाइज करेगा। मींस क्या कि 100 जूल पर सेकंड एनर्जी को कंज्यूम करेगा, मतलब एक सेकंड में 100 जूल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। इसका मतलब ये है, ये कहलाता वाटेज, ये कहलाता वोल्टेज। वाटेज का मतलब कि ये वेरिएबल हो सकता है। आज के दौर में अभी जो मॉडर्न एज चल रहा है, हमने देखा कि सूर्य बल्ब के बाद CFL आया, CFL के बाद हम लोग LED हाँ यूज कर रहे हैं, और LED यूज कर रहे हैं। हर अप्लायंस का, जितना भी अप्लायंस हम यूज करते हैं, चाहे अपने घर में फ्रिज यूज करते हो, वॉशिंग मशीन यूज करते हो, या गीजर यूज करते हैं, तो बल्ब जो भी यूज कर रहे हैं उनके ऊपर में एक रेटिंग लिखी होती है। जैसा फ्रिज देखेंगे, फ्रिज खरीदने के लिए जाएंगे तो वहां देखेंगे कि डोर के ऊपर में जो एक स्टिकर चिपका रहता है उस पर स्टार से बना हुआ रहता है, किसी में 3 स्टार रहेगा, किसी में 3.5 स्टार रहेगा, ऐसे 3 दिखा रहेगा और हाफ स्टार को क्या क्या रहेगा, वो कलर क्या रहेगा, मतलब 3.5 स्टार क्या है, किसी में 4 स्टार दिया हुआ है। तो आप कौन से फ्रिज को खरीदेंगे, कौन से फ्रिज को खरीदेंगे आप? हम वैसे फ्रिज को खरीदेंगे जिसमें स्टार्स ज्यादा होंगे। क्यों? कि जितना ज्यादा स्टार लिखा हुआ रहेगा उतना कम एनर्जी का यूटिलाइज करेगा जब हम वो ऑपरेट करेगा, तब जब उसको ऑपरेट करेंगे, किसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे, उतना जूल पर सेकंड एनर्जी का कम यूटिलाइज करता है। ये कॉमर्शियल ऐसा लिखा होता है। देखिए बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो कॉमर्शियली कुछ और होती हैं और हमारे डेली लाइफ में कुछ और होती है। जो कॉमर्शियली होती है वो हमारे डेली लाइफ के लिए, डेली लाइफ में होती है, और जो हम लोग ISI सिस्टम में पढ़ते हैं उसका कुछ और होता है। जैसे हम आमतौर पर ही देख लेते हैं कि इसी वोल्टेज या वाटेज का पता उसको नहीं होता बल्ब बेचने वाले को। आप जाइएगा, बोले 100 वाट का बल्ब दीजिए, निकाल के दे दिया आपको। हाँ, अब जो CFL वाला बल्ब लेने जाएंगे, हर वाट पे 14 वाट, 20 वाट, 25 वाट, 32 वाट, ये आपका फिक्स, ये वेरी कर रहा है, ये वेरी नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ये उसको कहेंगे 220 वोल्ट वाला बल्ब दीजिए तो सब निकाल के दे देगा ना, सब निकाल के दे देगा, क्योंकि हर बल्ब भारत में 220 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। क्या 220 से नीचे वाले पर ऑपरेट होगा? होगा, ठीक है, ठीक है। तो फिर बात कर रहे हैं क्या, तो वो जो है इसके डिफिनेशन को लिखते हैं पहले। द रेट एट विच work is done of source by source होगा, by source of an EMF to maintain electric current in the circuit is called power of the circuit। देखिए यहां पे दो कंडीशन ये है, एक कंडीशन है कि पावर जो, अगर एनर्जी जो यूटिलाइज कर रहे हैं, अगर एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं, और एनर्जी क्या है, कांस्टेंट एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं। दो तरह की एनर्जी होंगी ना यहां पे, दो तरह से हो सकता है कि क्या होगा, अगर एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट यूटिलाइज कर रहे हैं। हाँ, पहला क्या होगा, इफ एनर्जी इज कांस्टेंट, अगर एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट यूटिलाइज होगा, तो पावर जो होगा ना, P = W/T,
वर्क बाय टाइम, एनर्जी बाय टाइम, कितना एनर्जी यूटिलाइज कर रहे हैं कितने समय में, उसके क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। अगर वही वर्क अगर वेरिएबल है, मतलब वही अगर एनर्जी क्या होगा, वेरिएबल ही यूज कर रहे हैं, कभी कुछ यूज किया कभी कुछ यूज किया, क्या होगा, इफ एनर्जी इज वेरिएबल, वेरिएबल होगा तो क्या हो जाएगा, ये जगह P इज इक्वल टू dW / dt, कितने टाइम में, हाँ कितने टाइम इंटरवल में कितने एनर्जी को हमने कंज्यूम किया है, वही उसका रेट जो क्या कहलाएगा, पावर कहलाएगा। समझ में आया, दोनों तरह का फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इसमें, W इज इक्वल टू P इंटू T, इसमें क्या हो जाएगा, dW इज इक्वल टू P इंटू dt, P इंटू dt। ऐसे फार्मूले को हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि dW इज इक्वल टू क्या होगा, P इंटू dt, हम लोग पूरे निकालने के लिए हम लोग ये इंटेग्रेशन लगाएंगे और टोटल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए ये तो हमारा डिफिनेशन हुआ, तो हमने क्या किया कि इसमें कुछ जो पढ़ना है वो इस तरह से पढ़ेंगे हम लोग कि पावर को जो है पढ़ना जो है वो चार पांच एस्पेक्ट्स में पढ़ेंगे। आप इसको नोट पॉज करके आप डिफिनेशन लिख लीजिएगा कि टाइम में भी कमी है थोड़ी सी, वीडियो बड़ा हो जाएगा कि आप देखेंगे भी नहीं। और देखिए हमको जो पढ़ना है पावर, इसको लिखेगा पावर, पावर में देखेंगे पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्टरी पार्ट मतलब डिफिनेशन। दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे क्या, पावर वाटेज रेटिंग। तीसरा जो पढ़ने वाले हम लोग हैं वो क्या है कि कंबिनेशन ऑफ अप्लायंस ऑन द बेसिस ऑफ पावर के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन बनाएंगे। और चौथी चीज जो पढ़ने वाले हम लोग इफिशियंसी, जिसको ईटा से डिनोट करते हैं। और पांचवा पार्ट पढ़ने वाले हम लोग इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स मतलब निकल के जो करेंगे। तो देख लीजिए जरा सा बच्चों, ये तो हमने पढ़ा दिया, डिफिनेशन दे दिया, अब इतना डिफिनेशन कौन इसके बारे में क्या बताएंगे, डिफिनेशन तो लिख दिया, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी तो आपको पता ही होगा, स्केलर क्वांटिटी है, क्लास 11 में पढ़ाया गया था। इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा m²t-3 होगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, पावर इज इक्वल टू w/t पढ़ा है, और पावर के बारे में इसके बारे में पढ़े थे m²t-2, और यहाँ पर नीचे भी t है, ये ऊपर जब चला जाएगा तो क्या जाएगा, m²t-3, ठीक है, ये इसका बेसिस है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, हो गया। इसका जो यूनिट होगा, यूनिट क्या होता है इसका, SI में वाट होता है, वाट या इसी को क्या कहा जाता है, जूल पर सेकंड कहते हैं। उसके बाद CGS सिस्टम में क्या होगा, अर्थ पर सेकंड होगा, ठीक। और हमारे कॉमर्शियल यूनिट में इसको पढ़ते हैं HP से, 1 HP इज इक्वल टू होता है 746 वाट का, लेकिन आज इसका यूज होता है बहुत जगह, मशीन वगैरह में, मोटर वगैरह में का जो है, आप जाएंगे तो 1 HP का मोटर दीजिए, 2 HP का मोटर दीजिए, कॉमर्शियली ये आज भी यूज होता है, लेकिन पहले जमाने में हॉर्स पावर बहुत बड़े बड़े घोड़े को लेकर के, हाँ उसके पावर को चेक किया जाता था, 746 वाट का पावर अगर है तो समझिए कि 1 HP के बराबर है, हॉर्स पावर के बराबर है, ठीक है। आप ये तो सिंपल है, क्लास 11 में पढ़े थे, ठीक है। इसके आगे बात करते हैं पावर रेटिंग के बारे में। पावर रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए, क्योंकि पावर रेटिंग का जो यूटिलाइज हम लोग करते हैं, पावर का जो यूटिलाइज करते हैं हम लोग रेटिंग के फॉर्म में, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं आप, नहीं तो इसको आप क्या करिए, इसको आप रिज्यूम करिए, उसका लिखिए, फिर आगे बढ़िए। पावर रेटिंग के बारे में बात करें, रेटिंग में हमने देखा क्या, एक बल्ब है, उस बल्ब पे लिखा हुआ है 220 वोल्ट और एक 100 वाट, मतलब क्या हुआ कि कोई बल्ब है 100 वाट और उस पर पावर वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट, तो कितना एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है वो हम इसको देखेंगे। पावर इतना है, वोल्ट इतना है, तो
हम जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू होता है, पावर इज इक्वल टू होता है वोल्टेज इनटू करंट, पढ़े हैं लास्ट वीडियो में देखिएगा। पावर कितना 100 इज इक्वल टू वोल्टेज कितना 220, आई कितना है, आई यहां है तो आई बराबर क्या होगा 100 अपॉन 220, ठीक है इतना एंपियर ये करंट है। याद रखिएगा कंपटीशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज्यादा कैलकुलेशन में हर चीज का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो ये नहीं करिएगा, फंस जाइएगा बहुत जल्दी से, क्योंकि हर एक का कैलकुलेशन करे जा रहे हैं तो टाइम नहीं लगेगा। बोर्ड में तो आप मैनेज कर लेते हैं लेकिन कंपटीशन में मैनेज आपसे नहीं होगा, आप ज्यादातर कोशिश करेंगे ऐसे प्रॉब्लम लास्टली जब हो जाएगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे लेकिन इनफैक्ट अभी नहीं करेंगे। ये हमारा इतना करंट यूटिलाइज कर रहा है बच्चों और उसका वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट है और वाट कितना यूज कर रहा है 100 वाट यूज कर रहा है, तो कितना कर रहा है मींस कितना हो गया कि 220 के सोर्स से जब अप्लाई करेंगे इसको 220 के सोर्स पर अप्लाई करेंगे तो 100 जूल पर सेकंड एनर्जी को यूटिलाइज करेगा। यहां पर हमने पढ़ा तीन फार्मूला पढ़ा है, एक फार्मूला पढ़ा है कि V इज इक्वल टू I स्क्वायर R, एक पढ़ा है क्या V इज इक्वल टू सॉरी V नहीं P पावर था, पावर इज इक्वल टू क्या होगा I स्क्वायर R, दूसरा क्या पढ़ा है पावर इज इक्वल टू क्या होगा पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर R, और तीसरा फार्मूला पढ़ा है क्या P इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू करंट। कौन सा फार्मूला कहां पर यूटिलाइज करेंगे थोड़ा सा 2 सेकंड के अंदर देख लीजिएगा अपने पावर रेटिंग के बारे में पता चल जाएगा। यहां देखिए पावर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जब कोई भी जो भी सर्किट जो है जिस सर्किट को हम कनेक्ट कर रहे हैं दो या दो से ज्यादा सर्किट को हम क्या करें कनेक्ट कर रहे हैं अप्लायंस को ऐड कर रहे हैं ऐसे केस में जब सीरीज में जोड़ा जाएगा तब ये फार्मूला लगाइएगा तो गलती नहीं होगा, सीरीज में लगाइएगा तो ऐसे केस में क्या होगा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा रेजिस्टेंस के होगा, हां P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होगा, पावर कितना यूटिलाइज होगा जितना रेजिस्टेंस यूटिलाइज करेंगे। दूसरे केस में देखिए इसमें जब हम कनेक्शन को क्या कर रहे हैं पैरेलल में जोड़ रहे हैं, पैरेलल में जोड़ेंगे तो क्या होगा कि पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा रेजिस्टेंस के, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा पावर उतना ज्यादा यूटिलाइज होगा, याद रखिएगा रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा पावर उतना कम यूटिलाइज होगा, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा पावर उतना कम होगा। लेकिन ऐसे केस में तीसरा जो है ये जब करंट का मैक्सिमम वैल्यू दिया रहेगा तब ये वाला वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है याद रखिएगा कि 220 वोल्ट हमारा ऑपरेटिंग वोल्टेज है, ये हमारा क्या वोल्टेज है जो गिवन स्टैंडर्ड है फिक्स है, ये क्या फिक्स है और ऑपरेटिंग में किसी दिन हमारे पास 220 की जगह पर 180 वोल्ट आ गया किसी खराबी की वजह से टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हमारे सर्किट हमारे घर में 120 वोल्ट आ गया 180 वोल्ट आ गया तो क्या हमारा अप्लायंस वर्क करेगा, तो यस वर्क करेगा बल्ब जलेगा लेकिन बल्ब में जितना प्रकाश होना चाहिए जितनी लाइट होनी चाहिए उतनी लाइट नहीं होगी बल्ब में प्रकाश डिम निकलेगा, ठीक है और 220 से ऊपर जाएंगे तो फिर क्या होगा बल्ब ऑब्वियसली फ्यूज करेगा, ठीक है। तो अब बात करें कि पावर रेटिंग इसलिए हमारे पास जरूरी है क्योंकि हम कोई भी अप्लायंस का ऑपरेटिंग कितने पर हो रहा है इस बात की जानकारी होनी चाहिए और कितना मैक्सिमम वैल्यू उसका होगा कि ऑपरेटिंग वो हो सके उससे ऊपर के उसके ऊपर के वोल्टेज पर वो वर्क नहीं कर पाए तो इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। जितना भी अप्लायंस यूज कर रहे हैं उन अप्लायंस में ये चीज मेंशन रहेगा आपको, इसको कहते हैं वाटेज इसको कहते हैं वोल्टेज, वाटेज मतलब पावर वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स, तो हमारे इंडिया में 220 है ठीक है फिक्स है और किसी क्वेश्चन में हमको नहीं दिया रहेगा 220 वोल्ट लेकिन लिखा रहेगा इन योर आवर हाउस होल्ड हमारे घर के युक्ति में हाँ उससे उसका जो वाटेज है बल्ब जो दिया गया 220 बल्ब जो ले लिया गया 80 वाट का ले लिया, तब ऐसे केस में क्या करेंगे हमको दिया क्या है छुपा हुआ चीज है हिडन है हमारे पास 20 वोल्ट फिक्स है ये गिवन डेटा आपके पास है आप यूटिलाइज करेंगे, ठीक है इस पर हम क्वेश्चन करेंगे आगे तो पता चलेगा, ठीक है आगे देखेंगे समझ गए तीन फार्मूला है P = I / R V = V / R P = V / I, तो कौन सा फार्मूला कहां पर यूटिलाइज करेंगे कि मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है आप कोई भी फार्मूला कहीं पर भी यूटिलाइज कर सकते हैं फ्री हैं लेकिन कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, अब कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा तो क्या करेंगे कंपटीशन में टाइम वाइम नहीं मिलता है, ठीक है ये थोड़ी बोर्ड का एग्जाम है सर 5 मिनट चाहिए ना 5 मिनट बाद दे देंगे काफी, ठीक है यहाँ पर बोर्ड में आप क्या करेंगे उसको मैनेज कर सकते हैं बट कंपटीशन मैनेज नहीं होगा ये श्योर है बच्चों, ठीक है इसलिए कैलकुलेशन पर तो ध्यान देना ही देना है लेकिन हर चीज का कैलकुलेशन करने बैठ जाए तो ये नहीं करना है, हर चीज का कैलकुलेशन नहीं करना है, हर चीज का कैलकुलेशन करिएगा तो फिर आगे में भी जस्ट कनेक्शन वाला पढ़ाने जा रहे हैं तो जिसमें बल्ब के कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे बल्ब के अप्लायंस के कॉम्बिनेशन को पढ़ेंगे उसमें पता ही चलेगा कि हर को हम लोग क्या करना
हर को सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो फिर हमारा बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है एस्पेक्ट क्या पढ़ लिया है, अगला क्वेश्चन हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंस, किसके बेसिस पर, पावर के बेसिस पर, पावर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अप्लायंस को जोड़ेंगे, एक बार सीरीज में एक बार क्या करेंगे पैरेलल जोड़ेंगे, दो तरह का कॉम्बिनेशन पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, पैरेलल में भी और सीरीज में भी। हमने पढ़ा है किसमें, हमने पढ़ा है कैपेसिटर को पढ़ा है, हमने रेजिस्टर को पढ़ा है। ठीक है, देखिए बच्चों वीडियो ज्यादा बड़ा मैं बने इसलिए थोड़ा पहले जितना पढ़ा हमने कॉम्बिनेशन ऑफ अप्लायंस में हम जो अक्सर देखते क्वेश्चन जो बना रहे या बोर्ड में जो क्वेश्चन आता है या कंप्यूटर जो क्वेश्चन आता है वो बल्ब से रिलेटेड रहता है, इसलिए हमने बल्ब लिख दिया। ठीक है, यहाँ देखें दो तरह के कॉम्बिनेशन होंगे, दो तरह का कनेक्शन होगा, या तो पैरेलल होगा या तो सीरीज होगा। पैरेलल होगा तो जानते हैं रेजिस्टर भी पढ़ाया है, कैपेसिटर भी पढ़ाया है, इसी तरह का पैरेलल होगा। और हमने ये भी बताया था कि पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है, इसमें क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा। हमारे घरों में जो यूज होता है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सीरीज नहीं है। क्यों सीरीज नहीं है, क्योंकि अगर सीरीज में अगर कनेक्ट करते, अगर बीच का एक अप्लायंस अगर खराब हो जाता तो अगला भी कनेक्शन टूट जाता, पूरा का पूरा सिस्टम डैमेज हो जाता। ठीक है, लेकिन पैरेलल वैसा नहीं होता, पैरेलल में अगर एक कनेक्शन कट गया, डिस्कनेक्ट हो गया, बाकी तो ऑपरेट होता रहेगा, इसलिए हमारे घरों में यूज होता है ऐसा। ठीक है, और देखें कि यहाँ पर हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, हर एक पावर, हर एक का पावर अलग अलग है, हर एक का वोल्टेज सेम है, करंट अलग अलग होगा, एक सोर्स से कनेक्ट किए हैं, पैरेलल ही जोड़ दिए हैं। फॉर्मूला ही पढ़े थे P इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, R बराबर क्या होगा P स्क्वायर बाय P, सब का इक्वलाइज कर लिया है। हमने पढ़ाया क्या है पैरेलल में रेजिस्टेंस जो होता है 1/R = 1+R2 होता है एंड सो ऑन होगा। ठीक, उसी तरह से ये P बराबर होता है V स्क्वायर बाय R, पढ़े ही है V स्क्वायर को अलग किए 1/R की वैल्यू पुट कर दिए ये बात और मल्टीप्लाई कर दिया तो P इक्वल टू का P1+P2+P3, मतलब जितना भी ऐड होता जाएगा पैरेलल में उसको क्या करेंगे हम लोग उसके पावर को ऐड करते जाएंगे। याद रखिएगा कैपेसिटर में जैसा होगा पावर में वैसे ही होगा। ठीक है, कैपेसिटर में देखेंगे यही से होता C=C1+C2+C3 होता, पावर में वैसे होगा P=P1+P2+P3 होगा। याद रखिएगा एक वर्ड सेंट्रल पॉइंट, क्या याद रखिएगा सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट का मतलब क्या, जैसा कैपेसिटर में होगा वैसा पावर में होगा, जैसा कैपेसिटर में होगा वैसा पावर होगा, इसलिए इसको क्या याद रखेगा सेंट्रल पॉइंट। यहाँ पर याद आने के बाद पढ़ लिया सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट का मतलब ये होगा जैसा कैपेसिटर का आएगा फार्मूला वैसे पावर का आएगा। तो रेजिस्टेंस ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू इज मिनिमम, इसमें जो ना इसमें कैसे होगा इसे हम देखेंगे। सपोज करते हैं कि सारा का सारा एक ही पावर यूटिलाइज किया जा रहा है, एक ही जैसा यूज हो रहा है, तो देखेंगे क्या कि रेजिस्टेंस कितना होगा, P = वोल्टेज इनटू करंट होता है ना, P = क्या होगा वोल्टेज इनटू करंट, हाईएस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द हाईएस्ट का V = IR होता है, V = क्या होगा IR होगा। हमने क्या पढ़ा कि P = inversely proportional to R, मतलब R अगर मिनिमम होगा तो पावर ज्यादा होगा, और पावर जब ज्यादा होगा तो बच्चों ब्राइटनेस ज्यादा होगा, क्योंकि पावर जो है ना ब्राइटनेस जो है ना पावर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ब्राइटनेस जो है ना वो पावर पर डायरेक्ट क्या है डिपेंड है। इसमें क्या होगा कि जिसका पावर जिसका रेसिस्टेंस कम होगा उसका पावर ज्यादा होगा। ठीक है, जिसका रेसिस्टेंस कम होगा उसका पावर ज्यादा होगा और वो ज्यादा यूटिलाइज करेगा किसको, मतलब कि पावर ज्यादा यूटिलाइज करेगा। दूसरे केस में क्या है, अब आएंगे क्या सीरीज देखते हैं हम लोग, सीरीज में ऐसे ही है जोड़ दिया सीरीज में, जैसे हमने कैपेसिटर में जोड़ा था रेसिस्टर में जोड़ा था, फार्मूला वही यूटिलाइज किए R = R1+R2 जोड़ दिया, अब R की जगह क्या निकालेंगे तो V² / P होगा, V² / P1 V² / P2 V² / P3 होता रहेगा आंसर नंबर। सपोज करिए इस सभी बल्ब एक जैसा है, ये सभी बल्ब क्या होगा एक जैसा होगा, तब अगर हम पी इफेक्टिव अगर निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा N/P। ठीक है, ये क्या हो जाएगा P/N होगा ना, ये इफेक्टिव ऊपर चला जाएगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा P/N हो जाएगा, नंबर ऑफ जितना भी आप टर्म जोड़ेंगे जितना भी अप्लायंस जोड़ेंगे, राइट। उसके बाद देख लीजिए अगर हम इसको इसी फार्मूले पर देखना चाहें, क्योंकि ऐसे केस में करंट कॉन्स्टेंट होगा, करंट क्या रहेगा कॉन्स्टेंट रहेगा, करंट नहीं बदलेगा, करंट जितना आएगा जाता रहेगा, लेकिन उसमें वोल्टेज एक जैसा रहेगा, इसका वोल्टेज एक जैसा नहीं रहेगा, वोल्टेज बदलेगा, इसका वोल्टेज जो सबसे लास्ट में होगा सबसे कम वोल्टेज,
लेकिन करंट के मान अमाउंट क्या रहेगा, एक जैसा रहेगा करंट, यहां से चलता रहेगा, इसमें इसमें स्टूडेंट जाता रहेगा करंट, ठीक है। ऐसे केस में क्या होगा, हम लोग देखेंगे क्या कि जिसका जिसका पावर ज्यादा रहेगा, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस कम होगा और ठीक है उस पर ग्लो जो है ब्राइटनेस उसका क्या होगा, जिसका पावर ज्यादा होगा उसका ब्राइटनेस कम होगा, ठीक है, जिसका पावर कम होगा उसका ब्राइटनेस ज्यादा होगा, सीरीज में पैटर्न उल्टा होगा, पैटर्न में जिसका पावर ज्यादा होगा उसका ग्लो ज्यादा करेगा। हम इसको न्यूमेरिकली करके देखेंगे तो कांसेप्ट हमारा क्लियर होगा। जिसका पावर ज्यादा होगा, जिस बल्ब पर ज्यादा पावर दिखा होगा उसका वो ज्यादा ग्लो करेगा, इसमें क्या होगा जिस पर पावर कम दिखा रहेगा वो ज्यादा ग्लो करेगा, ठीक है। नीचे में एक सेंटेंस लिख लीजिए, बल्ब्स ऑफ लोएस्ट पावर ग्लो मैक्सिमम ब्राइटनेस, एक क्वेश्चन करेंगे इस पर तमाम समझ में आएगा, बिना क्वेश्चन के कुछ नहीं समझ में आएगा, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको अभी एफिशिएंसी पढ़ाने के बाद हम न्यूमेरिकल्स पढ़ाते हैं। अगला जो है वो है एफिशिएंसी। यहाँ पर दो चीज है, एक चीज हम समझेंगे पहले एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब होता है ताकत, हिंदी कहते हैं दक्षता, मतलब कि एक अप्लायंस यहाँ पर लगा हुआ, यहाँ पर क्या है सोर्स है, ये सोर्स है, तो दो चीज है, या तो अप्लायंस की एफिशिएंसी होगी या तो सोर्स की एफिशिएंसी होगी। सोर्स की एफिशिएंसी को भी हम नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हम केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाएंगे, क्योंकि ये इसका अलग है। हम जो बात करेंगे सोर्स नहीं, हम क्या बात करेंगे अप्लायंस का। एफिशिएंसी को ईटा से डिनोट किया जाता है, इसमें ईटा पढ़ते हैं, ठीक है। ईटा बराबर होगा क्या, आउटपुट पावर, आउटपुट पावर अपॉन क्या होगा इनपुट पावर। जितना भी एफिशिएंसी कहेगा, चाहे किसी मशीन का, किसी अप्लायंस का, किसी भी चीज का, तो फार्मूला यही रहेगा। अगर एनर्जी के बारे में बात करेंगे, एनर्जी एबिलिटी के बारे में बात करेंगे, एबिलिटी पावर है तो पावर है, ठीक है, तो जो भी हो तो आउटपुट ऊपर नीचे इनपुट, कितना आउटपुट हो रहा है और इनपुट कितना दिया जा रहा है। ऑब्वियसली क्या होगा कि ये एक यूनिट यूनिटलेस क्वांटिटी है, यूनिट एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यूनिट एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ना यूनिट है यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ना तो इसमें यूनिट है न डायमेंशन है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब यूनिट और डायमेंशन नहीं होगा तब इसका कोई डायमेंशनल फार्मूला भी नहीं होगा, ठीक है। और अगर हम इनपुट पावर के बारे में बात करेंगे, इनपुट पावर जितना दिया गया होगा बच्चों वो क्या होगा, मैकेनिकल पावर ये किधर गया आउटपुट में, और प्लस कुछ एनर्जी हीट में साउंड में कुछ एनर्जी में क्या हो गया निकल गया होगा। मतलब क्या हो गया, जितना इनपुट दिया गया है वो किसमें जाएगा, वो इनपुट किसमें जाएगा आउटपुट मैकेनिकल पावर होगा, और कुछ पावर किसमें जाएगा हीट में जाएगा, पावर हीट किसमें जाएगा लॉस में जाएगा, ये क्या है ये पावर है, ठीक है, और ये किसमें जाएगा ये लॉस में जाएगा, ठीक है। हम देखते हैं जब हम पटाखा फोड़ते हैं या सॉरी उतना दूर कहेंगे जा रहे हैं, जब हम क्या करते हैं हीटर जलाते हैं तो क्या होगा, जैसे करंट देते हैं तो जो एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें चला गया हीट एनर्जी, प्लस कुछ लाइट भी निकलता है हीट होता है, तो एनर्जी क्या हो गया वेस्ट हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा लॉस्ट, ठीक है, ये एफिशिएंसी के बारे में, ठीक है। अब इसी पर हमारा क्या बेसिस क्या है, दो तीन क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है कि आपके पास दो बल्ब दिया हुआ है, एक 100 वाट का बल्ब दिया हुआ है, एक 100 वाट का बल्ब दिया हुआ है और एक 60 वाट का बल्ब दिया हुआ है। इसको कहा जाता है जस्ट कनेक्टेड विच ग्लो मोर, मतलब विच ग्लो मोर नहीं, इसमें पूछा है कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है वो दिखाना है इस क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है क्या, दो बल्ब आपको दिया गया है 220 वोल्ट का, सॉरी 100 वाट का और 60 वाट का, दो बल्ब दिया गया है जिसका पावर है दिया हुआ, और उसको क्या कहते हैं जोड़ दिया गया है किसी सोर्स से, एक ही सोर्स से जोड़ दिया गया, ठीक, तो कहा जाएगा किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ये दिखाना है, ठीक है। ये नहीं कि कौन जलेगा ज्यादा, ये भी दिखाना क्या कि किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो हम क्या फार्मूला पढ़े, P = V² / R पढ़े,
ये इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, तो r1 ये b1, तो r1 बराबर क्या होगा v स्क्वायर बाय t1, t1 किसका 100 का, एक ये तो क्वेश्चन है। दूसरा क्या होगा p2 इज इक्वल टू होगा v2 बाय r2, तो r2 बराबर क्या होगा बच्चों v स्क्वायर बाय 60। अब देखिए यहां पर कैलकुलेशन लगने बैठ नहीं जाइएगा, इसको b1 मान लेते हैं, इसको b1 मानते हैं, इसको b2 मानते हैं, ये b1 का है, ये b2 का है, ठीक। यहां पर कैलकुलेशन करिएगा फंस जाएगा, क्योंकि v आपका दिया हुआ 220 वोल्ट, नहीं दिया हुआ तब भी दिया हुआ है, कितना v = 220 वोल्ट इंडिया में, अगर अमेरिका में रहते तो 110 रहता, भारत में तो 220 है, वैसे हम लोग सबसे ज्यादा हैं, सबसे आगे हैं हम लोग, ठीक है। आप देखिए ना सब चीज में आगे हैं हमसे, हां एजुकेशन को छोड़िए बाकी सब चीज में, ठीक है। देख लेते हैं किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, यहां देखेंगे क्या कि हमारा जो है ये डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली क्या होगा वैल्यूज कम होगा, ये इसका डिनोमिनेटर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस, डिनोमिनेटर कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना, क्योंकि ऊपर वाला कांस्टेंट है, तो क्या होगा यहां पर कौन ज्यादा ग्लो करेगा, तो देखिएगा b2 वाला ज्यादा, इसका रेजिस्टेंस होगा किससे b1 से, मींस क्या होगा r2 इज मोर ग्रेटर देन r1, मींस के 60 वाट वाला बल्ब जो होगा ना उसका ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो दो वायर आपको सेम लेंथ का दिया जा रहा है, दो वायर सेम लेंथ का दिया जा रहा है, हाँ तो सेम लेंथ भी है और सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया भी है, लेकिन दोनों अलग अलग मटेरियल है, एक क्या है कॉपर है और दूसरा क्या है नाइक्रोम है, ठीक है नाइक्रोम। कह रहा है कि किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, अभी हम रेसिस्टेंस बात कर रहे हैं, फिर बल्ब पर आ रहे हैं, किसका एक क्वेश्चन हो गया बच्चों, ये पहला क्वेश्चन में ये आंसर है 60 वाट वाला। देखिए यहाँ पर एक कॉपर है एक नाइक्रोम का दो वायर है, दोनों वायर में रेसिस्टेंस किसका होगा ज्यादा, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉपर एक मटेरियल है, हाँ नाइक्रोम क्या है नाइक्रोम एक एलॉय है, निकेल और क्रोमियम का एलॉय है, तो निकेल और क्रोमियम का एलॉय जब होता है एलॉय का रेसिस्टेंस नॉर्मल मटेरियल से ज्यादा होता है, तो किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा नाइक्रोम का होगा ज्यादा। दो क्वेश्चन हो गया, तीसरा देखिए, तीसरा कह रहा है क्या कि 25 वाट 40 वाट और 60 वाट का तीन बल्ब दिया हुआ है, ठीक है 25 वाट 60 वाट और 40 वाट, 25 वाट 40 वाट और 60 वाट तीन बल्ब दिया हुआ आपको, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि किसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, इससे पहले वाले में पूछे थे रेजिस्टेंस ज्यादा है, पहला क्वेश्चन क्या था रेजिस्टेंस ज्यादा है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 100 वाट सॉरी 25 वाट 25 वाट उसके बाद है आपका 40 वाट और 60 वाट तीन बल्ब दिया हुआ है, B1, B2 और B3 तीन बल्ब दिया हुआ है, किसका रेजिस्टेंस कम है, किसका रेजिस्टेंस कम है, जल्दी जल्दी कर रहा है क्वेश्चन की वजह से, ठीक है किसका रेजिस्टेंस कम है, तो देख लीजिएगा बच्चों किसका रेजिस्टेंस कम होगा, हमने क्या कहा कि पावर बराबर होगा क्या V स्क्वायर बाय R, तो R का वैल्यू अगर ज्यादा देंगे, R का वैल्यू ज्यादा देंगे तो क्या होगा कि वैल्यू P का वैल्यू कम आएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होगा, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू तो सॉरी उल्टा हो गया, R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय यहां पर क्या होगा P होगा, पावर का वैल्यू किसका ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो पावर का वैल्यू किसका ज्यादा है V3 ज्यादा चले V3 का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा V3 ज्यादा होगा B2 से और B2 ज्यादा होगा B1 से, ये सब का कैलकुलेशन नहीं करिएगा क्योंकि V का वैल्यू दिया रहेगा 220 मालूम है, ये डालिएगा निकालिएगा निकालते निकालते जाइएगा पता चला कि एक क्वेश्चन के चक्कर में दो क्वेश्चन छूट गया और आप आ गए मुंह उठा करके हां मींस के पास करके हमेशा के लिए पास करके, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है बल्ब के ग्लो का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नीट अभी पूछता है और बोर्ड में तो खैर मतलब पूछता ही नहीं है क्वेश्चन बल्ब वाला, लेकिन दिक्कत मैंने इसमें ऑब्जेक्टिव में रहेगा कि बीच ग्लो मोर रहता है ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में बोर्ड में रहता है, तो शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। देखिए तीन बल्ब है 100 वाट का बल्ब दिया हुआ है और ये तीसरा क्वेश्चन है बच्चों 100 वाट का क्वेश्चन 100 वाट है और 50 वाट है और एक है 25 वाट तीनों क्या है ये जुड़ा हुआ है किसमें कह रहा है कि विच ग्लोज मोर तीन दिया हुआ बल्ब तीनों विच ग्लोज मोर कौन ज्यादा जलता है किसकी ब्राइटनेस ज्यादा है ये देखेंगे हम तो क्या करेंगे तीनों को हम लोग जोड़ देंगे किसमें हम लोग पहले तो ऐसा नहीं कह रहा कि सीरीज में जोड़ना लेकिन हमको लगता है क्वेश्चन दिया हुआ है
इस टाइप का बना हुआ है डायग्राम, ठीक है, इसको V से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा V1, V2, V3, ठीक, मतलब क्या होगा, इस पावर V1, पावर V2, पावर V3 V से जोड़ दिया गया है। अब क्या करेंगे बारी बारी से हम लोग, V square V is equal to P is equal to V square by R होता है बच्चों, ठीक, तो R1 बराबर क्या होगा V square by P1, ठीक, उसके बाद क्या होगा R2 is equal to V square by P2, उसी तरह से R3 बराबर क्या होगा V square by P3, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट करेंगे, यहां वैल्यू पुट नहीं करेंगे, यहां देखेंगे पहले वाले को देखेंगे, इसका देखिए रेजिस्टेंस, पहले वाले का 100 वाट लिया है, दूसरे वाले का कितना 50 वाट है, तीसरा वाला 25 वाट है, तो R का वैल्यू क्या होगा प्रोपोर्शनल किसके, P1 के, मतलब क्या कि P1 अगर कम है, P1 अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, इसका रेजिस्टेंस कम होगा लेस, ठीक। उसका देखिए R2 is greater than is proportional to कितना होगा P2, इसका वैल्यू क्या होगा 50 से 100 है तो इसका इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, मोर होगा, ठीक। और इसके बाद देखेंगे, उसके बाद देखेंगे R3, R3 is inversely proportional to किसके है P3 के है, P का वैल्यू कितना 25 वाट है, 25 वाट है इसका वैल्यू क्या होगा ज्यादा होगा, ये वैल्यू होगा मैक्सिमम, ठीक है। तो बच्चों कौन सा बल्ब ज्यादा जलेगा, 25 वाट का बल्ब ज्यादा ग्लो करेगा, हमने कहा था जब रेजिस्टेंस में रहेगा, जब कॉम्बिनेशन सीरीज में रहेगा तो क्या होगा, जो सबसे कम पावर वाला होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा, जो ज्यादा पावर वाला होगा वो कम ग्लो करेगा, पैरेलल में क्या होगा जैसे इसका उल्टा होगा, पैरेलल में जिसका पावर ज्यादा होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा, 100 वाट का 100 वाट ज्यादा ग्लो करेगा, 50-25 वाट है तो कम ग्लो करेगा, लेकिन सीरीज में क्या होगा जिसका पावर ज्यादा है वो कम ग्लो करेगा, जिसका पावर कम है वो ज्यादा ग्लो करेगा। आमतौर पर देखिएगा इलेक्शन के टाइम में जब पब्लिक का वैल्यू कब ज्यादा होगा, जब इलेक्शन का टाइम आएगा ज्यादा कम पावर वाला आदमी का वैल्यू ज्यादा हो जाता है, जब वही इलेक्शन जीत करके नेता जी चले जाते हैं तो उनका पावर ज्यादा हो जाता है, वही चीज सेम है कि सीरीज में, क्योंकि वहां पर भी हम लोग सीरीज में खड़े रहते हैं लाइन में, वोट डालने जाते हैं लाइन में खड़े रहते हैं सीरीज में, क्योंकि पावर हमारा कम है उस वक्त पावर ज्यादा हो गया, मतलब हम उस वक्त हमारा ग्लो ज्यादा हो गया, जिसका पावर ज्यादा है एक बंदा दूसरा बंदा तीसरा बंदा लाइन में खड़ा हुआ वोट देने के लिए है, तो जिसका पावर सबसे कम है उसका वैल्यू ज्यादा है, तो वही जाकर के वोट डाल दिया, अब नेताजी बढ़ गया आगे, तो क्या होगा कि कम वोट कम वाटेज वाले का, कम वाटेज वाले बल्ब का ग्लो ज्यादा होगा किसमें सीरीज में, और ज्यादा वाटेज वाले का कम होगा पैरेलल में, याद रखिएगा। तो फ्यूज कौन करेगा पहले, फ्यूज कौन करेगा पहले जिसका वाटेज कम है सीरीज में, पैरेलल में कौन फ्यूज करेगा जिसका वाटेज ज्यादा है, एकदम सिंपल समझिए, जिसका पावर ज्यादा होगा जिसका वोल्टेज ज्यादा होगा उसका ज्यादा ग्लो होगा, ज्यादा फ्यूज करने का चांस उसका है, सीरीज में क्या होगा जिसका वोल्टेज कम है उसका ग्लो करने का चांस ज्यादा है, उसको फ्यूज होने का चांस ज्यादा है, समझ में आई बात। इस बात को हम लेकर मुद्दा उठाए थे, वहां तक हम इसके लास्ट एंड तक पहुंचा दिए हैं, अब आपको क्वेश्चन करना है इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे आप, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब एग्जाम में फंसेंगे नहीं, अदरवाइज कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो जाकर के हम लोग गड़बड़ करके चले आएंगे, तो देखेंगे क्या ज्यादा लाइट दिखा तो कंडीशन क्या कब जोड़ते कैसे हैं, हमारे घरों में पैरेलल इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि हमारे हर एक घर में एक जैसा बल्ब नहीं लगा रहता है, वॉशरूम में देखेंगे, किचन में देखेंगे, ड्राइंग रूम में देखेंगे, आपका स्टडी रूम देखेंगे, पूजा घर जो होता है वहां देखेंगे, और भी घर होता है बहुत सारा, उन सब में देखेंगे, सब में तो अलग अलग वाटेज यूज करेंगे, तो अगर एक के जैसा रहता तो फिर क्या होता प्रॉब्लम हो जाता, हाँ अगर हम सीरीज यूज करते हैं एक कनेक्शन कट हो गया पूरा का पूरा बैठे हुए देने में, ठीक है ना, कुछ हो रहा है करने जा रहे, वर्क एनर्जी, वर्क एनर्जी सॉरी एनर्जी एंड पावर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर पढ़े, इसका बेस क्वेश्चन भी किया, और हम लोग आगे फिर इसको आगे आप लोग क्वेश्चन करिएगा, अगर प्रॉब्लम है तो आपको मिले हमारे पे, मतलब कि पर्सनल आईडी पर, हमारा पर्सनल नंबर पर आप मैसेज करिएगा, आपको क्वेश्चन मिलेगा और आपका जो वर्कशीट है वो भी मिलेगा, ठीक है, थैंक यू।